हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गा डेकल्स। ये देख सकते हैं हमारे पास एक सुबह सुबह एक 150 एचपी का मोटर आया है, एबीबी का। इसमें मॉइस्चर है, मेगर इनफिट नहीं है, मतलब मेगर ग्राउंड बता रहा है। तो इसको हम लोग आज फिटिंग करेंगे और अच्छे से सर्विस करेंगे। सर, ये मोटर का सारा बॉडी टूटा हुआ है, पहले ही वीडियो हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मोटर खुला नहीं है, एक फ्रंट का, इधर फ्रंट का ही सब अभी है, यहाँ पे भी है। देखिए यहाँ पे भी है, ठीक है। ये फ्रंट का आपका हो गया, ठीक है। अभी बैक का ही दिखा रहे हैं, यहाँ टूटल है। बैक का भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए, बैक का भी है। ये सब बैक का है, सिर्फ एक सही है, ये वाली। ये भी थोड़ी क्रेक है, देखो आज का मारे देखिए। इसे लादे से चाहे कोई में इस सारा ही सब नट बोल्ट निकालना होगा। कैसे टूटता है, बोल्ट टूटा हुआ है मोटर का, बॉडी का। ये सारा मोटर कैप्चर करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद, ये कंपनी रांची से बनकर आई है एबीबी सर्विस सेंटर से। तो जहाँ पे ये मोटर लगने वाली थी, रात में मोटर फेल हो गई। तो ये स्पेयर में मोटर रखा हुआ था, तो स्पेयर में रखने के बाद हमारे पास कॉल आई कि प्रॉब्लम क्या है, ये चढ़ाने के बाद। तो मैं उनको रिकमेंड किया कि एक बार मेगर चेक करने के लिए। तो जब मेगर चेक करने के बाद बात आई, तो मेगर जब चेक किया तो ये ग्राउंड बता रहा, ग्राउंड बताया मेगर, पूरा फुल्ली मेगर ग्राउंड बताया। जब सर फ़ोन किए सो रात में कि ये मोटर चढ़ानी है, वो दूसरे मोटर चल गई है, तो इस मोटर का रिक्वायरमेंट किए कि हाँ इसको मोटर चढ़ा दीजिए, बट मोटर चढ़ाने से पहले मेगर कर लीजिए। तब जब मेगर जब टेस्ट होने लगा, तो ये ग्राउंड बताने लगा, ग्राउंड बताई। तो मैंने बोला कि सर मत चढ़ाइए, ये मेगर है मोटर, मोटर में कुछ फॉल्ट है, या तो मॉइस्चर चला गया, तो पानी चला गया, वाटर चला गया। तो इसको मोटर को नहीं चढ़ाया जाए, इसको सर्विस किया जाए फिर दोबारा। फिर सब सुबह दोबारा सर मेरे को भेजे मोटर, मोटर हमारे वर्कशॉप पे आई, अनलोड किए हैं। अनलोड करने के बाद इसको खोल, पूरा सब ओपन करने के बाद जब बाहर निकालने लगे, तो इसमें वाटर था। अभी आप देख सकते हैं मोटर खोल रहा है। ये विशाल हमारे पास वर्कशॉप, हमारे शॉप पे काम करते हैं। खुलने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि पानी जो भी वाटर है, मॉइस्चर कहाँ से आई है, मेगर कहाँ से लिया। मेगर रांची से जब मोटर बन के आई, सर्विस सेंटर से बन के आई है मोटर, फिर भी ये मेगर ग्राउंड बता रही है। जब हम कस्टमर जहाँ से बन के आई थी, तो उससे बात किए, तो बात करने के बाद बोले कि मैं इन्फिनिटी करके दिया हूँ। तो मैं बोला ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। तो मैं जब उसको खोलने लगा, तो फिर मैं देखो पानी ले मिला। उसके बाद फिर मैंने उसको देखा, जब सब सारा बोल्ट खोलने के बाद देखिए, अब यहाँ पे बॉडी सारा क्रैक है, देख सकते हैं बॉडी पूरा क्रैक है। कंपनी से बन गई है, सर्विस सेंटर से बन गई है, फिर भी बॉडी क्रैक है। ये मेरे को ये पता नहीं कि बॉडी कैसे क्रैक हुई, मेरे को वो नहीं पता है, बट बॉडी क्रैक है। ये फ्रंट का ढक्कन और बैक का ढक्कन दोनों में क्रैक होने की वजह से मैं वीडियो बनाया और सर को दिखाया कि सर दोनों में क्रैक है, बॉडी में दोनों, फ्रंट और बैक दोनों में बॉडी में क्रैक है। और बारिश का भी मौसम चल रहा था, बारिश का भी वो प्रॉब्लम हुई, तो वो मैं थोड़ा देख कर चल रहा था कि शायद मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। तो मैंने बारी देखी, एक और मोटर हमारा हीटिंग में लगा हुआ है एबीबी का, सॉरी भारत बिजली का मोटर, एबीबी का नहीं है, भारत बिजली का मोटर लगा हुआ था एबीबी हीटिंग में, तो सिंगल वाइंडिंग है। ये देखिए फिर दोबारा बारिश आ गई है, तो इसको फिर से दोबारा ढकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, शेड नहीं है उतना ज़्यादा, थोड़ा हमारे पास प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो फिर देखिए दोबारा हम लोग यहाँ पे टर्मिनल, देखिए टर्मिनल लगाएं, टर्मिनल का भी देखिए, वहाँ पे खोले तो यहाँ पे, यहाँ से भी वाटर निकला,
वाटर निकलने के बाद फिर दोबारा हम लोग देख सकते हैं मोटर खुल गया है। इसमें मॉइस्चर हुआ है पानी जाने की वजह से, आपको पानी दिखा देता हूँ। गिरीश पूरा एकदम बाहर फेंक दिया है। फिर दोबारा इस मोटर को फ्रंट से पलट कर उसके बाद हम लोग हीटिंग लगाए इस मोटर को, मेगर करने के बावजूद भी इसमें पानी निकला तो हम लोग ज़्यादा नहीं सोचे। तो फिर उसके बाद हम लोग इसमें कस्टमर से बोले 24 घंटा का टाइम चाहिए, 24 घंटा हीटिंग लगेगा। तो फिर देखिए यहाँ पे हीटिंग लगाया 95, 96, 85, हमारा टेम्परेचर गया 90 गया, 95 गया, फुली टेम्परेचर हाई जाने के बाद फिर सुबह हम लोग इसको चेक किए तो इसमें फिर दोबारा हम लोग हीटिंग दूसरे मोटर में फिर लगाए। तो मोटर में हमारा हीटिंग लग चुका था, लगने बाद हमारा मेगर वो मोटर का हीटिंग सही हो गया था। उसके बाद हम लोग लेके गए इसको वेल्डिंग करवाने के लिए। मिग वेल्डिंग अच्छे से करवाया लेथ मशीन पे, उस पर टॉप चलवाया, जो बैक का उसका ढक्कन का वो बोल्ट टूटा हुआ था उसको निकलवा के अच्छे से बेल्ट वोल्ट करवा के भी कट से अच्छे से वेल्डिंग करवाया। फिर दोबारा देखिए वेल्डिंग अच्छे से हो चुका है हमारा, देख सकते हैं चारों ढक्कन में, और अच्छे से हम लोग फिटिंग करके मेगर टेस्ट कर कस्टमर को डिलीवर कर दिए। उसके बाद मोटर चल रहा है, उसका वीडियो नहीं बन पाया था। आई होप कि आप सही अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एक आप लोग वीडियो देखते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जब आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं तो आप मेरे नंबर पर कभी भी एनी टाइम कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है किसी जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।